कल मैं अपने एक नोन के घर गई, उनके घर, उनके बच्चे और एक दो आसपास पड़ोस की उनकी फ्रेंड्स होगी, वो घर घर खेल रहे थे। घर घर में क्या कर रहे थे कि वो सेकंड क्लास में लटकी पड़ती है उनकी, तो उसमें खुद तो वो बनी हुई थी मम्मी, मतलब मम्मी की जो चुन्नी है उसकी साड़ी बना रखी थी, हाथ में मोबाइल, यहाँ पे पर्स टांग रखा था और लिपस्टिक लगाती, और एक छोटे से बच्चे को, वो पड़ोस का बच्चा था, उसको डांटती थी, सारा दिन तुम खेलते रहते हो, तुमको पढ़ाई की बिल्कुल फिक्र नहीं है, और पूरा अपना रौब दिखा रही थी कि हाँ भाई मेरी मम्मी होती है। मुझे देख के बहुत हंसी आ गई क्योंकि एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही थी, मतलब जैसे बिल्कुल मेरी नोन करती है ना, बिल्कुल वैसी, ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़ के, ऐसे लगा के, और हाँ मैं बिजी हूँ, मतलब इस तरह की बातें कर रही थी। अच्छा, फिर जब खाने का टाइम हुआ तो हम जब टेबल पे आए, डाइनिंग टेबल पे, तो वो भी आ गए। अच्छा, क्योंकि वो फ्रेंड्स बहुत सारे थे और लड़की को भूख बहुत लगी हुई थी उनकी, तो उसने बोला कि मम्मी और आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम जब खाने की बात आई तो मदर ने, जो मेरी नोन थी, उसने एक सेकंड में भी नहीं सोचा कि भाई आइसक्रीम मैं अपने लिए रखूं या इसको दे दूं, उसने तुरंत उसको दे दी कि हाँ लो। और मेरी तरफ देख के पता क्या बोली ऐसे कि मेरा तो गला खराब है और मैं तो वैसे भी नहीं खानी थी, रखी जाती तो अच्छा बच्चे ले लेंगे। मैं समझ गई थी यही होती है मदर्स, यही होती है मदर्स। उसकी ये बात सोचते सोचते ना मुझे एक बात याद आई बचपन की, जब मैं छोटी होती थी, तो जैसे हमारे घर में भी हर हर घर में होता है ये कि मदर जो है अपने लिए नहीं रखती, बच्चों को दे देती है। तो मम्मी जब ऐसे करते थे कई बार कि जैसे हमें कोई चीज, मान लीजिए आइसक्रीम बहुत अच्छी बनाई है या राजमा चावल बहुत अच्छे बने हैं, तो हम अक्सर यही कहते थे कि और चाहिए और चाहिए, मतलब ओवर ईटिंग हमारी होती थी। और मम्मी अपने लिए तो खैर बाद में खाते थे वो, पर तुरंत दे देते थे कि हाँ हाँ लो बहुत रखे हैं, अरे बहुत रखे, फ्रिज में भी रखे हैं, मतलब झूठ बोलना कोई मम्मी से सीखे कि हाँ फ्रिज में रखे हैं। और अल्टीमेटली क्या होता था, वो अपने हिस्से के ही दिए जाते थे। तो तब मैं जब देखती होती थी और मैं ये सोचती थी कि मैं तो नहीं दूंगी, जब मैं बड़ी होगी, मैं जब मम्मी बनूंगी तो मैं तो अपने हिस्से का या तो फ्रिज में रख लूंगी या किचन में छुपो के रख लूंगी, पर मैं तो अपने हिस्से का बच्चों को नहीं दूंगी। पर जब बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हुए, और कभी जैसे खाना खा रहे हैं, बच्चों की डिमांड है कि और है क्या, और रखा है क्या, तो फटाफट लाके दे दिया, मतलब सोचना ही नहीं होता, सोचना ही नहीं होता। ऐसे महसूस होता है कि बच्चे का पेट भर गया, मान लो खुद की तृप्ति हो गई, खुद का पेट भर गया, मतलब ये फीलिंग तो आती नहीं है, तो ये होती है माँ। कल भी कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि थोड़ा सा गाइड कीजिए कि मदर्स डे पे क्या गिफ्ट है। मदर्स डे पे कुछ उसको चाहिए ही नहीं है, उसको तो बस प्यार चाहिए, उसको हेलो हाय कर दो हर रोज, उसको क्या हाल है, क्या कर रहे हो, अगर दूर रहते हो तो उसको टोक दो, हाँ भाई क्या हो रहा है मम्मी, आपकी याद आ रही है, कुछ भी कुछ भी। और घर पे हो तो उसको प्यार करो, उसकी हेल्प करो, मदर छोटे छोटे काम होते हैं, अगर थोड़ी सी भी आप उनकी हेल्प कर देंगे तो वैसे खुश हो जाएंगे, तो ये करना चाहिए। और वैसे ये गाना वो है ना, उसको नहीं देखा हमने मगर उसकी जरूरत क्या होगी, ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की मूरत क्या होगी, तो ये गाना है, ये है माँ। बाकी दौर में खुशी होगी क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना, बोला नहीं जाता इस टॉपिक में, बोला नहीं जाता। तो कल फिर मिलूंगी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक स्माइल में रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और बाय।